हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट ट्विटर में। इस वीडियो में फ्रेंड हम बात करेंगे सरे सुपरस्टार और लंका सर थंडर के बीच में होने वाले मैच की, जो कल वुमन सुपर T20 में मैच होगा। तो फ्रेंड इस मैच की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, अगर आप ड्रीम रोड में लॉस से गुजर रहे हैं और आप हर मैच हार रहे हैं तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे दोनों टेलीग्राम चैनल एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, और तो वहाँ पर से मैं आपको आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर मैच की। तो फ्रेंड यहाँ पर पहले प्लेइंग 11 देखते हैं लंका सर थंडर का। तो लंका सर थंडर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉन्स आएगी, उसके साथ बोल्टन आएगी ओपन। वन डाउन सदरवेट आएगी, जिसने पिछले मैच में 87 रन की बहुत अच्छी नॉक खेली थी, बट उस मैच में मंदाना ने 102 रन मार दिए थे, तो यहाँ पर इनकी टीम हार गई थी। तो फ्रेंड उसके बाद आएगी हरमनप्रीत कौर एम आलम, जो कि पिछले 3 मैच में 8 विकेट ले चुकी है एम आलम, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर ऑलराउंडर है और 5वें 6वें नंबर पर बैटिंग करने भी आ जाती है। उसके बाद फ्रेंड इनकी कैप्टन सॉरी विकेट कीपर थ्रैगेल्ड, उसके बाद डैनियल हेजल, एस्कल्टन एंड कैट क्रॉस, अटाली ब्राउन, एलेक्स हार्टली। तो फ्रेंड ये होगी लंका सर थंडर की प्लेइंग 11। फ्रेंड यहाँ पर बात करते हैं सरे सुपरस्टार की प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर लेजरल ली, ब्रैनी स्मिथ, सारा टेलर, नटाली शिवर, डैन वान नेक्रिक, सोफिया डेंकली ब्राउन, मरिजन काप, मार्स, ईवा ग्रे का फ्रेंड रिस्की रहेगा, इनकी जगह पर जॉन्स हनन जॉन्स भी यहाँ पर आ सकती है खेलने के लिए। ईवा ग्रे का जो प्लेइंग 11 में मुझे मुश्किल लग रहा है कल के मैच में, ग्रेस गिब्स एंड यहाँ पर मैडी विलर्स। तो फ्रेंड ग्रेस गिब्स और मैडी विलर तीनों रिस्की है एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि इनको ज़्यादा बॉलिंग करने का मौका मिलता नहीं है, और आप इन तीनों को अपनी टीम से थोड़ा अवॉइड कर लें वही अच्छा रहेगा अगर आपको रखना ही है पॉइंट एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि कम पॉइंट के हैं। तो आप यहाँ पे मैडी विलियर्स एंड ग्रेस गिब्स में से किसी एक को रख सकते हैं। ईवा ग्रे पे आप रिस्क मत लीजिए फ्रेंड, क्योंकि ईवा ग्रे का कल के मैच में खेलना तय नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो प्लेइंग 11 मैंने इस मैच में बनाई आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड ये है उसका टीम का प्रीव्यू, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारा टेलर को मैं यहाँ पर ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा, उसको मैं एज ए यहाँ पर विकेट कीपर ले रहा हूँ, मैंने इसको ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं किया है। साथ में यहाँ पर ले रहा हूँ बोल्टन को एज ए वाइस कैप्टन, सदरवेट को ले रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पर ब्रॉनी स्मिथ को ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ओपन तो आती है, साथ में 3 ओवर भी फेंके थे पिछले मैच में, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। तो यहाँ पर फ्रेंड ईवा जॉन्स को ले रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है, डेंकली, इमालम एंड सीवर। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने हरमनप्रीत कौर एंड नेक्रिक को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पॉइंट की कमी है, क्रेडिट की कमी है, तो मैं यहाँ पर उनको एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर कैट क्रॉस को रख दिया, एस्कल्टन को रख दिया एंड मैंने यहाँ पर लोरा मार्स को अपनी टीम में रख दिया। कैप्टन करूँगा फ्रेंड यहाँ पर नटाली सीवर को एंड वाइस कैप्टन करूँगा यहाँ पर निकोल बोल्टन को। तो फ्रेंड आप इस टीम के साथ जा सकते हो हेड टू हेड में, इस टीम को लगा सकते हो, काफ़ी सेफ टीम है और मुझे लगता है कल के मैच में टीम काम कर सकती है आराम से। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर आप जुड़ जाइए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।